जल्दी से कपड़े चेंज करके राखी की थाली लगा लेती हूँ। आज तो चांदी चांदी है। अबे यार, ये किस हिटलर के सूट पर जूस गिरा दिया? टुकड़े कर करके खा जाएंगी मेरे। सॉरी दीदी, वो मैं, ये आपको ही पहनना था क्या? अरे कोई नहीं भाई, सूट तेरे से ज्यादा है क्या? बहुत सूट है, कोई और पहन लूंगा। वैसे मैं अपनी बहन को जितनी बड़ी चुड़ैल और चंडाल समझता हूँ, ये इतनी बड़ी है नहीं। सॉरी भाई, मुझे दिखी ही नहीं। अरे कोई बात नहीं बहना, ये तो साफ हो जाएंगे। दीदी जरा सा पानी दे दो यार, बहुत प्यास लग रही है। एक बार मैं मान गई। ये ले, मैंने तेरे लिए स्पेशल लेमनेड बनाया। वाओ, बहुत सही बनाया यार। प्यार से बनाया ना। थैंक यू। माधव, एक कप चाय बना के ला। अरे तू बैठा रहे, मैं बना देती हूँ। थोड़ी सी मैं भी ले लूंगा। हाँ हाँ जरूर, और कुछ? नहीं नहीं। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसी स्टेटस लगा रही थी व्हाट्सएप पे। कोई भाई बहन का अच्छा सा कैप्शन बता ना। अरे हमारा प्यार को एक लाइन के कैप्शन में थोड़ा डिफाइन हो जाएगा दीदी, इसके लिए तो किताब भी कम पड़ जाए। मेरा प्यारा भाई, देख मैंने ये फोटो डाली है स्टेटस पे, कितना प्यारा लग रहा है इसमें। आप भी तो इतनी प्यारी लग रही हो। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, साल में होता है एक दो बार ये ड्रामा। चल भाई आजा, राखी बंधवा ले। आ गया आ गया। देख मैंने तेरे लिए केक भी बनाया है, खा के बताइयो कैसा लगा। अरे दीदी इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये दोनों वही हैं जो रोज कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं? हाँ हाँ वही हैं। सुबह तक सबर करो, अपने असली बेटा बेटी देखने को मिल जाएंगे। ये ले पकड़ मेरा सूट और ड्राइविंग करा के ला। अंधा है, कहीं भी जूस गिराएगा, वो भी मेरे सूट पे। मैं अंधा? मेरे जूते तो कोने में पड़े हुए थे, वहां क्या जरूरत पड़ गई थी पैर घुसाने की? पहले उन्हें साफ करके दो आप। और हाँ, पानी से मत करना, आपने वो जो गटर का पानी, ओ नहीं नहीं, स्पेशल लेमनेड बनाया था उससे करना, सारे अंदर तक का कचरा साफ हो जाएगा। और तू कौन सा बहुत बड़ा नवाब है जो तुझे चाय ला दो पानी ला दो, बैठ के खाने में तो बड़े मजे आ रहे थे तेरे को। तेरे ना बाप की नौकर नहीं हूँ मैं। मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? अरे हाँ पापा, अगर आपको घर में ईंट की जरूरत हो ना तो बता देना, हमारे घर में एक लेडी संजीव कपूर रहती है जो केक के नाम पे ईंट बनाती है। ईंट खा के मुंह में दर्द होगा। कुछ तो शर्म कर ले, पूरी कटोरी खा गया था, और वैसे भी वो केक पापा को बहुत पसंद आया था। क्यों पापा? हाँ। और वो सब तो छोड़ ही दे, शगुन के नाम पे 100 रुपए देके अपने आपको बहुत बड़ा नवाब समझ रहा है। और वैसे वो 100 रुपए आए कहाँ से थे? खुद की शर्म बेच के आया था या खुद को गिरवी रख के लाया था? ओह एक्सक्यूज मी, मेरी कीमत 100 रुपए लगती है आपको? पापा बताओ इन्हें, हाउ वैल्यूएबल आई एम। नहीं बेटा, साथ में कुछ और भी गिरवी रखा होगा, इस अकेले के तो 100 रुपए मिलने नहीं वाले। सब लोग रक्षाबंधन पे कितना तैयार होते हैं, आज मैं भी तैयार होती हूँ। ये किसकी शादी में जा रही है पापा? बेटा इतनी सुबह सुबह कौन शादी करता? रक्षाबंधन है आज। अच्छा इसलिए छुट्टी थी आज। चुपचाप जाके तैयार हो जा। जा मुंह धो के राखी बनवा ले, फिर सो जाना दोबारा। थोड़ा खुश हो जा। बहुत खुश हूँ मैं। हाँ बस इतना ही खुश होना है, ज्यादा खुश होने से खुशियां चली जाती हैं। ले ये दे दे। 500 रुपए किस बात के? 50 रुपए की तो राखी लाई है। तो 50 रुपए ही देगा? तो 60 ले ले, आना जाना मिला के। 60 रुपए कैसा अमाउंट होता है? 100 लास्ट है, लेना है तो बोल। ठीक है तू 100 ही दे दे, 500 के साथ फोटो तो खिंचवा सकता है। चल यार तू चल। स्माइल कर, ठीक से। बस हो गया, पापा ये 100 रुपए दे देना। वाओ आज तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, चलो प्रिया की सुलगाती हूँ। हाँ प्रिया। हाँ यार। और कैसा जा रहा है तेरा रक्षाबंधन? राखी बांध ली? हाँ यार, मेरे तो 2 कजिन ब्रदर्स हैं, सुबह आ जाते हैं। ओह सैड यार, वैसे मेरे तो 3 भाई हैं, एक MLA, एक डॉक्टर और एक मिलियनेयर। तो वो लोग तो इतना बिजी रहते हैं,
कि लेट ही आते हैं। एनीवेज आज तो खूब कमाई हुई होगी यार, दोनों ने 500 रुपीज ही दिए हैं, अर्निंग नहीं है ना अभी। पता नहीं यार मुझे क्या मिलेगा, लेट मी गेस, एक एक्सपेंसिव मेकअप किट या फिर एक कार। कार? अरे नहीं नहीं कार थोड़ी, रक्षाबंधन ही तो है, शादी थोड़ी ना है मेरी। हो सकता है गुची का पर्स या फिर एक सैंडल। यार मेरा 50-60 हज़ार से ऊपर का खर्चा नहीं कराऊंगी, बोल दूंगी भैया ज्यादा नहीं, आपका प्यार ही काफी। वैसे भी अगली रक्षाबंधन पे भी तो कुछ लेना, सारा कुछ इसी बार ले लोगी तो अगली बार क्या देंगे। भाई ये डॉक्टर दिखने के लिए व्हाइट कोट पहनना जरूरी होता है क्या यार? अगर सर्फ के एड में वो कितने अच्छे से काम करता है ये बताने के लिए व्हाइट कोट पहन के आ सकते हैं तो मैं तो सच का डॉक्टर हूँ यार। कहाँ है यार हमारी बहन, बुलाओ उसे यार। बहन हाय। चल यार मैं चलती हूँ, शायद वो लोग आ गए। पैसा ही पैसा होगा। हाय। आ गए आ गए आ गए, लो भाई आ गए आ गए। चलो भाई गिफ्ट निकालो, गाड़ी में रखे हैं क्या? या गिव हर द एनवेलप। ₹500? ₹200 डालने की बात हुई थी, ₹100 कम किसने डाले? मैंने तो अपने पूरे 200 डाले थे, तुम दोनों में से किसी ने किया है काम? हाँ तो मैंने भी पूरे 200 ही डाले हैं, ये MLA है साला, खा गया होगा बीच में। तू मिलियनेयर कैसे बना सब पता है हमें, तूने ही दवाई होंगी ₹100। अच्छा ये तो ऐसे भिखारियों की तरह लड़ रहे हैं, 2 मिनट और रही तो ये भी ले लेंगे। ओ माय गॉड आज तो रक्षाबंधन है, इस बार जिसने भी मेरी लाइफ में मेरी हेल्प करी है ना मैं उन सबको राखी बांधूंगी। सबसे पहले मेरा प्यारा भाई जो मेरी हर मुसीबत में और बड़ी मुसीबत बनता है। हाथ ऊपर कर, हाथ दे बेवकूफ, राखी बांधनी है। यही उम्मीद थी तुझसे भिखारी। मैडम जी कोरियर था आपका। भैया आपके लिए राखी, आप हमारे लिए इतनी धूप में और बरसात में कोरियर डिलीवर करने आते हो जिससे हमें बहुत खुशी होती है। अजी मेरे को तो पगार मिले इसकी, बाकी पैसे तो आप ही दोगे। लाओ। लेकिन भैया मैंने आज आपको राखी बांधी है तो आज ही कोरियर के पैसे भाई की तरफ से। थैंक यू। दूध वाले भैया ये कर क्या रही है भाई, सुबह से त्योहार का मजाक बना रखा है। 150 राखियां लाई है, सुबह से पैसे गिफ्ट मांगती फिर रही है सबसे। भैया आपके लिए राखी, आप पूरे महीने हमारी हेल्थ का इतना ध्यान रखते हो। अरे मैम वो इस महीने के दूध के पैसे। भैया अपनी बहन से पैसे लोगे, आप हिसाब करो आज का। थैंक यू। अजी मेरे पैसे। मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ कुत्तों को राखी बांधने, वो भी तो हमारी इतनी रक्षा करते हैं ना रात को भौंक भौंक के, कुत्तों से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा तेरे को। अरे हाँ कुत्ते से याद आया, मैं अपने एक्स को भी राखी बांधूंगी, आखिर उसने भी तो मुझसे ब्रेकअप करके खुद से मुझको प्रोटेक्ट ही किया है। ये गिफ्ट पक्का मेरी बहन को बहुत अच्छा लगेगा। छोटी जल्दी आ जा यार। आई भैया। अच्छी लग रही है। थैंक यू भैया। ये लो आपकी पसंद का गिफ्ट है। और ये रहा तेरा गिफ्ट। भैया जब आप खुद कमाने लगोगे मैं सिर्फ तभी आपसे गिफ्ट लूंगी। पागल ये मैं अपनी सेविंग से लाया हूँ, मम्मी पापा से एक भी पैसा नहीं लिया मैंने। वाओ भैया साइंस के सैंपल पेपर्स, मुझे इनकी बहुत जरूरत थी। मॉम मेरे तो 96% ही थे लेकिन मैं अपनी बहन के 99% देखना चाहता हूँ। अभी लड़कियां रक्षाबंधन वाले दिन मेरे पीछे क्यों भाग रही हैं? मेरा काम तो फ्रेंडशिप डे वाले दिन हो चुका है। भाई ये राखी का काम तुम संभालो। हैप्पी रक्षाबंधन। सनी बाय। सो हाय गाइस। राज भैया आपको पता है सिल्की ने पूरे स्कूल में सिर्फ मेरे को ही राखी बांधी है, कहता था ना मैं आपसे हमारा अलग कनेक्शन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं सच बता के आता हूँ।